नमस्कार दोस्तों, आज इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम पहली नज़र में एकदम चौड़ा पाम है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते और पूरा जी जान लगा देते काम को करने में, मेहनत से काम करते और पूरी शिद्दत से उस काम को पूर्णता की ओर लेकर जाते। दूसरा, इस पाम में हमेशा जो मैं कहता हूँ, उंगली अगर शनि की तरफ झुकी हो तो आदमी धार्मिक होता है और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है धार्मिकता उसमें बढ़ते जाती है। दूसरा, इस पाम में जो खासियत यानी माइनस पॉइंट है वो ये छोटी उंगली का फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचना, तो इनका चीज़ों का व्यवस्थित ना रखना, डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से ना रखना, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। इस पाम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये जो उंगलियों का इस तरह से एक की रेंज में होना। जब इस तरह की उंगली होती है तो व्यक्ति को समझ शक्ति काफ़ी अच्छी आती है। जब उंगलियां ऊपर नीचे हो तो ऐसा व्यक्ति चीज़ों को समझने में बहुत समय लगाता है, पर ऐसी अगर एक एरो बनती हो या धनुषाकार बनता हो तो ऐसा व्यक्ति चीज़ों को समझने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। अब इनके ग्रहों की ओर देखते हैं। ये टेक्निकल फील्ड में है तो उसका यहाँ पे एक सबूत भी है। जब कोई बुध रेखा इस तरह से निकले तो व्यक्ति को विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज होता है। ये वेब डिजाइनर है तो ये रेखा बता भी रही है, प्लस इस पर चलने वाली खड़ी रेखा भी है, तो बुध पर्वत से इनको कोई माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा, अच्छा खासा उभरा हुआ भी है। इनके सूर्य पर्वत पर खास रेखाएं नहीं है, पर एक चिन्ह बनते बनते अधूरा रह रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ये इस तरह से फिश की बन रही है, पाथ भी तैयार है, अगर ये कंप्लीट बन जाता है, फिश इस तरह से बन जाती है, तो इनके बेड़े पार, इनको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, दुनिया भर का धन आएगा, प्लस इनका नाम भी होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिस्पेक्टिव फील्ड में, यानी ये जो फील्ड में होंगे, पर ये अभी अधूरी है, उसका विवेचन करना गलत है। हाँ, एक चिन्ह इनके सूर्य पर्वत पर दिख रहा है, पर्वत अच्छा है। ये जब इस तरह का कोई मार्क बनता है, चाहे वो रेखा को काटता हो, तब पिता के साथ कभी अच्छी रीत से पटती नहीं, हमेशा मतभेद होते हैं व्यक्ति के। और इनकी सूर्य रेखा इतनी पावरफुल, अगर ये मछली के चिन्ह कंप्लीट नहीं है पर ऐसी कोई पावरफुल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा लड़ना भी नहीं पड़ता जीवन में। अगर सूर्य रेखा आपकी मजबूत है तो वो आपसे पहले तो संघर्ष कराएगी जीवन में, उसके बाद फल देती है जब उसका एक्टिवेशन पीरियड चालू होता है तब। पर जब सूर्य रेखा न के बराबर हो तो ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष भी कम करना पड़ता है, पर यश भी कम मिलता है। इनका शनि पर्वत बढ़िया है, एक बढ़िया सी लाइन ऊपर जा रही है और भविष्य में यही लाइन इनको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या परिवार से या सरकारी कामकाज के अंदर इन्वॉल्व करा सकती है, और इनका प्रोसीजर भी चालू है। अगर वो इनसे द्वारा हो गया तो उनको ये लाभ मिलने भी शुरू हो जाएंगे। दो तीन आड़ी रेखाएं भी दिख रही है इस हाथ पर, यानी ये मल्टीपल इनकम का हाथ है, हमेशा इनके पास मल्टीपल इनकम होगी। दूसरी ये लाइनें अक्कड़ साइंस, जैसे पामेस्ट्री है, फेंसुई है, इस तरह इंटरेस्ट भी दिलाती है। इनका गुरु थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, इतना पावरफुल है नहीं, तो मेरे हिसाब से इनको परिवार में थोड़ी कुछ मगजमारी इनके द्वारा होती होगी या इनके ऊपर कुछ ना कुछ होता होगा, परिवार का दबाव या कुछ भी। ये गुरु जब दबाव होता है तो इस तरह के फल मिलते हैं। उस पर एक खड़ी लाइन भी चल रही है जो इनको निरंतर प्रोग्रेस कराएगी, ये बढ़िया साइन है। ऐसी साइन वाला व्यक्ति जीवन में काफ़ी आगे
निकलता है। अब इनका मंगल क्षेत्र मध्यम उभरा हुआ है, प्लस उस पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा मन में चिंता सताती रहती है, आज तो मिला कल क्या होगा। ये इस तरह का माइनस पॉइंट ऐसे व्यक्तियों में होता है। अब चलते इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल ये सब कमी दूरी दूर कर रहा है, ये काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, पर जो अंदर से इनकी आत्मा कहती होगी आज तो मिला कल क्या होगा, अंदर से डरे हुए रहते, पर बाहर ये काफ़ी मजबूत दिखते जब इस तरह का मंगल हो। इनका चंद्र क्षेत्र भी साफ सुथरा, कोई उस पर कमी है नहीं, पर इसी क्षेत्र पर एक रेखा ऐसे चल रही है, वो आगे बढ़कर अगर इस तरह से हो जाए तो ये रेखा वाया लेवेशिया नाम से का प्रोनंसिएशन में गलती हो रही है, पर इस नाम से कही जाती है, जो नशे की ओर प्रेरित करती है। यानी वो नशा ऐसा नहीं कि सिगरेट तंबाकू या कोई ड्रग्स, पर मे बी कभी चाय का भी नशा हो सकता है व्यक्ति को, पर इनमें कंप्लीट नहीं है, इसके लिए उसके बारे में कहना गलत है, पर इनको लगता है ये यात्रा रेखा है, मेरे हिसाब से ये यात्रा रेखा नहीं है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ और अच्छा खासा क्षेत्र भी लिया हुआ है शुक्र पर्वत ने, यानी इनमें लग्जरी चीज़ों का शौक अपार होगा, इनको कम में चलता नहीं होगा, पहनने को सब अच्छा अच्छा चाहिए, इनको खाने को अच्छा चाहिए, सब कुछ इनको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। ये शुक्र पर्वत ये फल देता है, प्लस थोड़ी सी कामुकता भी देता है। उस पर मोटी मोटी दो तीन लाइनें भी है जो इनको लग्जरी देगी लाइफ में। अब चलते इनकी रेखाओं की ओर। इनकी रेखा शनि पर्वत से शुरू होकर हार्ट लाइन सीधी जा रही है और उस पर बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जाती है। ऐसे लोग सेवा भावी रहते, लोगों की सेवा करते, पर सामने उनको कुछ हाथ में आता नहीं, लोगों से गाली ही मिलती है, ये इनमें माइनस पॉइंट होता है। पर ये रेखा हृदय रेखा दिखा रही कि ये भावुक नहीं होंगे, हमेशा इनको पैसा पैसा दिमाग में घूमता होगा। अब चलते इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन लगभग 30 साल तक तो परिवार के साथ चल रही है, उसके बाद इनका अपना सोच बना होगा और ये आगे चल रहा है। पर इसी माइंड लाइन पर आपने नोट किया होगा बहुत सारे अलग अलग तरह के निशान है, तो व्यक्ति इस तरह की जब माइंड लाइन होती है तो प्रेशर में काम करता है, हमेशा उसके दिमाग में प्रेशर होता है, पर यही यहाँ से फिर रिलीज हो रहा है प्रेशर, यहाँ से इनकी माइंड लाइन ओके चल रही है, तो ये लगभग इनकी उम्र होगी 32 के बाद, लगभग ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना चालू किया होगा उन्होंने। बाकी इस माइंड लाइन में कोई दोष नहीं है, नहीं भावुक है ये। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा पर एक त्रिकोण मुझे यहाँ पर दिखा, तो मैंने इनसे पूछा भी कि आपको जमीन का लाभ मिला है, तो इन्होंने कहा हाँ लाभ मिला है, और ये त्रिकोण अच्छी इनकम भी क्रिएट करता है, वो भी इनके साथ हो रहा है। अब इसी पीरियड के बाद एक ये प्रोग्रेस लाइन, उसके बाद यहाँ पर त्रिकोण, ये त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण, जब इस तरह के त्रिकोण इतने सारे हो तो ऐसे लोगों को जमीनों से बहुत फ़ायदा मिलता है, प्लस इनकी 40 की उम्र के बाद
काफ़ी प्रोग्रेस लाइन है अब जा रही है, बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है, यानी इनका 40-38 के बाद इनका विकास होना निश्चित है। जब इस तरह का और त्रिकोण और इतनी प्रोग्रेस लाइन है जब जीवन रेखा से निकले तो ये बहुत अच्छा साइन बोला जाता है। और ऐसा ही इनके फेट लाइन पर भी दिख रहा है। इनकी फेट लाइन चंद्र से शुरू हुई, यानी इनको विदेश से लाभ मिल रहा है और यहाँ आकर अटक गई। मैं छोटा कर्सर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से 28-29 से एक और फेट लाइन चल रही है जो हल्की यहाँ से हो हल्की होके आगे चल रही है, यानी इसका लाभ इनको बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ रही है पर यहाँ आकर धुंधली हो रही है, तो इस चीज़ का इनको ज़्यादा लाभ पैसे के रूपांतर में ज़्यादा मिलेगा नहीं। और एक फेट लाइन इनकी यहाँ से एक और डेवलप हो रही है। ये अभी जो कार्य करते होंगे ये लगभग 36 में ड्रॉप कर देंगे और एक नया व्यवसाय शुरू करेंगे, पर नया व्यवसाय करेंगे तो यहाँ पर एक कट आया हुआ है जो इनको 38 साल के आसपास थोड़ा सा कष्ट भी देगा, आर्थिक थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, इनको झेलना पड़ेगा, पर 38 के बाद ये लाइन इनकी स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रही है। ये परिवार का खर्चा और छोटा मोटा एक आध कट है तो ये कोई मायने नहीं रखता इतना। उसके बाद इनका जीवन पूरा बदलने वाला है और ये ही लाइन यहाँ से एक और लाइन शुरू होकर ये पूरी गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो हो सकता है ये ऐसा कोई कार्य करे जिसके अंदर परिवार इन्वॉल्व हो या सरकारी महकमों का कॉन्ट्रैक्ट मिले या उस तरह का कोई कार्य इनके हाथ में आए। ये सोलार एनर्जी का सोच भी रहे तो हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी इनको मिले। अब इसी पाम पर एक मत्स्य जैसा चिन्ह भी यहाँ पर बन रहा है, फिशटेल जैसा। हो सकता है इनको जीवन में ज़्यादा यात्रा करनी पड़े और ये भविष्य में जब इस तरह का साइन होता है तो ऐसे व्यक्ति उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते या वहाँ सेटल हो जाते और उनका आना जाना विदेशों में होता है। ऐसा मैंने बहुत से लोगों के पाम पर देखा है और ये अच्छा खासा धन का भंडार भी भरता है। यानी इनका जीवन 40 के बाद पूरा बदल जाने वाला है, पर अभी इनका जो मनी ट्रायंगल है वो कंप्लीट नहीं है, वो ओपन है। ओपन होने के कारण अभी इनके धन का संचय इतना हो नहीं रहा है, पर जिस तरह से प्रोग्रेस लाइनें दिख रही है तो ये मनी ट्रायंगल मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जब किसी की भी फेट लाइन माइंड लाइन पर अटके तो ऐसा व्यक्ति परिवार को एक बार विदेश यात्रा पर लेकर जरूर जाता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों के पाम पर देखा है। आशा रखता हूँ मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दिए है। ये काफ़ी उत्तम पाम है, अच्छा खासा अर्निंग करेंगे ये, और इनके एक इंस्टीट्यूट खोलने की भी इच्छा है, तो उसके भी चिन्ह जब ज़मीनें इतनी आएगी तो इंस्टीट्यूट खोलना बहुत आसान है और स्क्वायर भी यहाँ पर बना हुआ है तो ये टीचिंग क्वालिटी देता है। तो ये कार्य इनके द्वारा कंप्लीट होगा, मुझे इनके पाम से लग रहा है भविष्य में इनकी ये आशा कंप्लीट होते दिख रही है। और मल्टीपल इनकम है ही है, एक साथ दो दो तीन तीन इनकम करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।